आज बड़ा शुभ दिन है कि हमारे डॉक्टर प्रशांत जोशी ही प्रोफेसर और हेड आर्मी फॉरन रिसर्च सेंटर, जो इन्होंने अभी 3 दिन पहले अपना स्टार्ट किया है, बहुत कर्मठ और काम करने वाले, 24 आवर्स हमेशा उपलब्ध रहने वाले ऐसे व्यक्ति है, पर्सनैलिटी है और बड़ा दिल से काम करते हैं। आज उनके 18 साल यहाँ पर सर्विस विश्वविद्यालय को, यूनिवर्सिटी को देते हुए पूरे हुए हैं, तो मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ और हृदय से उनका आगे की उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए और इस आर्मी एंड नेचुरल फार्मिंग जो सेंटर की जिम्मेदारी दी गई है वो इसमें 4 चांद लगाएं और इसमें रात दिन तरक्की जितनी हो सके, जिससे हमारे विश्वविद्यालय का नाम हमारे देश में और पूरे विश्व में भी हम तो कहेंगे कि बढ़कर लिया जाए, क्योंकि ये ऐसा ज्वलंत इसमें टॉपिक है, फार्मिंग का नेचुरल फार्मिंग एक चैलेंज है देश के सामने, विश्व के सामने, कि खाद्य पदार्थों की जो फूड मटेरियल होता है उसमें किस तरह से मिलावट होती है, किसमें मिलावट होती है, या जो कहेंगे पोल्यूशन, जो कहेंगे सॉयल में पोल्यूशन होता है, या आप कहेंगे एयर में भी पोल्यूशन हो रहा है, ऐसी दवाइयाँ जो हानिकारक दवाइयाँ हैं उनका उपयोग करते हैं, तो उससे सरकार का ध्यान है कि सरकार इसको कुछ कम से कम मिनिमम यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स करें, धीरे धीरे लोग या किसानों का रुझान इसकी तरफ जाए, आर्मी को नेचुरल फार्मिंग की, तो वो एक हमारे लिए एक संदेश हम लोगों को देंगे डॉक्टर साहब के माध्यम से, हमारे हेड हैं, कि कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं खुद एक अपने जो मेरा तजुर्बा अनुभव है 20-25 साल मैंने इतनी दवाइयों और खादों का उर्वरकों का उपयोग किसान या लोग नहीं करते थे और बहुत अच्छी फसल होती थी, धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारी उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ती गई, हमारे पास पशुधन जो जानवर हैं बहुत कम लोग पालते हैं तो उसकी भी कमी और दवाइयों पर बहुत निर्भरता हो गई, तो ये आर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग एक चैलेंज है और इसको चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमारी जिससे कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति है, फर्टिलिटी है, वो मेंटेन रहे, बढ़े और ये ज़मीन को भी नुकसान ना हो, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ज़मीन में जो हमारे साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु है, जो हमारे लिए 24 आवर्स काम करते हैं, 24 घंटे आप उनको देखते नहीं होंगे, देख नहीं रहे, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। अगर आप सोचिए अगर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, केंचुए हमारी ज़मीन को भुरभुरी बनाते, आप सोचिए कोई प्लांट मटेरियल है या डेड बॉडी है या कोई रेजिड्यू है या प्लांट का, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, वो कैसे सड़ जाता है, आप सोचिए कि किसी जानवर की डेड बॉडी रखी है, अगर वो डिकम्पोज ना हो तो क्या हालत होगी, वो वहीं की वहीं पड़ी रहे, फिर वहीं की वहीं पड़ी रहे, हमारी 10 पीढ़ियों की वो पड़ी हो तो क्या होगा, आप कहाँ रखोगे उनको, तो उनके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 24 आवर्स काम करते हैं, वो हम आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि वो ऑर्गेनिज्म ख़त्म ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में ना ख़त्म हो, नेचर में ना ख़त्म हो और जिंदा रहें और इससे ये अपना काम करते रहें। हनी भी हमारे लिए 24 आवर्स काम करती हैं, पॉलिनेशन करती हैं, फूलों से शहद इकट्ठा करती हैं और फूलों में पॉलिनेशन करती हैं, यील्ड बढ़ जाती है फसल की, तो ये यह है कि इनका जो नेचर के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो बिगड़े ना, और संतुलन है, बैलेंस है, वो हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है उसको भी फुलफिल किया जा सके, तो ये एक संदेश है और डॉक्टर साहब से बहुत सी उम्मीदें हैं हमें हमारे इस केंद्र को कि बहुत अच्छा काम करेंगे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद डॉक्टर। जैसा कि डॉक्टर सिंह ने आपको बताया, आज 15 अक्टूबर 2022 आज के दिन 18 साल पहले मैंने अपनी सर्विस कॉर्प्स जम्मू में शुरू की थी। सबसे पहला जो मुझे दायित्व मिला था वो रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च सब स्टेशन भद्रवा में था, वहाँ पर 3 साल अपने पूरे करने के बाद 2007 में मैं डिवीज़न ऑफ फ्रूट साइंस में आया, फिर इसके बाद 2015 में मुझे एडवांस सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च उदयवाला में एज ए इंचार्जशिप ज्वाइन किया, वहाँ पर 7 साल अपनी नौकरी पूरी करने के बाद आज के दिन मेरे 18 साल पूरे हुए, आज छुट्टी का दिन है, आज सैटरडे, लेकिन मैंने अपने स्टाफ को बोला कि आज आपके साथ इस दिन को हम मनाना चाहते हैं, मैं इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आज छुट्टी वाले दिन ये सभी यहाँ आए और इन्होंने मेरी इस सेलिब्रेशन में जो इन्होंने ज्वाइन किया, जैसे
डॉक्टर सिंह ने आपको बताया कि 3-4 दिन पहले ही मैंने स्टेशन का कार्यभार संभाला है और इस स्टेशन को लेके हमारे जो आदरणीय कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा जी हैं उनको बहुत उनके दिल में इस स्टेशन इस केंद्र को लेके प्लान्स हैं और उन्होंने मुझे कहा कि ज्वाइन करने के बाद कि डॉक्टर बख्शी जी आपसे हमें उम्मीदें हैं और आप छाप छोड़ के जाइए इस केंद्र पे। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जो जिस मकसद के लिए उन्होंने मुझे इधर भेजा है वो मकसद मैं पूरा करूँ और जिस तरह से हर जगह चाहे वो भद्रवाह का स्टेशन हो चाहे वो उदयवाला का स्टेशन हो जहाँ भी मैं गया वहाँ के स्टाफ ने मुझे दिल खोल के प्यार दिया उसी तरह से यहाँ के स्टाफ भी मुझे उसी तरह प्यार देगा और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं इनको जितनी हो सके उतनी सहूलियत प्रदान करूँ एक अच्छा एनवायरनमेंट दूँ और जिसमें ये अच्छे से काम करें और आगे भी इस स्टेशन को हम लेके जाएं। पहले ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टेशन था सेंटर था अब इसको सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग बनाया तो हम उस मकसद में इकट्ठे होके चलें और जो ख्वाब हमारे कुलपति जी ने सोचे हैं उनको हम पूरा करें। इसी आशा के साथ मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप 18 साल पूरे होने पर मेरे साथ आज जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।